आज रेहबरी खेल का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे ऑफिस में एक मेमोरेंडम लेके आया और उनको उनका जो जेन्युइन इश्यूज थे उन्होंने ऑलरेडी हमारे नोटिस में थे, उन्होंने दोबारा से हमारे नोटिस में लाए हैं और जिसको लेके आज हमने यहाँ डीजी जो स्पोर्ट्स हैं सलीम जी उनसे टेलीफोन पे बात करी है इनके मसले को लेके, और उन्होंने बताया कि ये मामला चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में है, इनका जो फाइल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुंच गई है तो वहाँ भी हमने टेलीफोन पे बात की है और कल या परसों हम सीएस साहब को भी मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इनका जो मसला है जिसके लिए मुर्मू साहब ने कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट हमारी फीडबैक के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में पड़ी है, तो अगर चीफ सेक्रेटरी अपने लेवल पे इसको डिस्पोज करके इनका जो मसला है उसको हल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो उसको प्रोसेस करेंगे एलजी साहब के ऑफिस में, ये हम उनसे कल या परसों मुलाकात करके रिक्वेस्ट करेंगे। तो इनका ये जो मामला यही है कि जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जिसमें SRO 202 को ख़त्म करके और उसमें ये कहा कि SRO 202 के तहत जो लोग लगे थे और जिनके 2 साल या 2 साल से ऊपर समय हुआ था उनको रेगुलर किया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा और उसके बाद जो SRO 202 पूरी तरीके से वारिश कर दिया, लेकिन इनको उससे परे रखा है इन रहबरेता खेल के जो लोग लगे हैं, तो इनका भी ये डिमांड है कि जैसे ही इनके 2 साल कंप्लीट होते हैं जिनके होने को आए हैं या हो चुके हैं तो उन सभी को उसी पैटर्न पे रेगुलराइज किया जाए ताकि इनके साथ भी इंसाफ हो। तो हम यही जो डिमांड है गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इनका बिल्कुल जेन्युइन इशू है और इनके जेन्युइन इशू को गवर्नमेंट जल्द से जल्द माने, और मैं तमाम इन रहबरी खेल के साथियों को ये कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं और जब तक आपका मसला हल नहीं होता आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि आपके मसले को।